समा, मैं हूं रमीज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। इस्लामाबाद में दावत इफ्तार के दौरान सियासतदानों पर फिक्रा कसने पर हाथापाई हो गई। नूर आलम खान, नदीम अफजल चंद और मुस्तफ़ा नवाज खोकर उम्र रसीदा शख्स पर पिल पड़े। इसी पर अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदा खसूसी अब्बास शबीर से। अब्बास, क्या मामला हुआ था? देखिए, जो मुझे बताया गया है कि कुछ 4 से 5 लोग थे जो के नारे लगा रहे थे जब उन्होंने नूर आलम को, मुस्तफा नवाज खोकर और नदीम अफजल चंद और फैसल करीम कुंडी को मैरियट होटल में देखा। इससे पहले भी एक नूर आलम की वीडियो आई थी मैरियट होटल में, जब एक बंदा उनसे बातचीत कर रहा था और उनको लौटा है और उनने वोट बेचा है। यही आज रिपीट हुआ है, लेकिन साथ के नूर आलम के और लोग भी थे जो बात के अंदर जब ये बात चली तो ये हाथापाई तक बात पहुंच गई। और वीडियो फुटेज में हम देख सकते हैं कि आपस के अंदर लड़ाई तल्ख कलामी हुई और उसके बाद जो तल्ख कलामी है वो शदीद लड़ाई के अंदर बदल गई। ये अफ्तारी के वक्त का मामला हुआ है और जो इर्द गिर्द लोग बैठे हैं वो भी खौफजदा होकर अपने टेबल छोड़कर वहाँ से निकल गए। तो ये अफ्तारी के वक्त वाकया हुआ है जब नूर आलम, नदीम अफजल चंद, फैसल करीम कुंडी और सैनिटर नवाज खोकर एक अफ्तारी पर मैरियट में मौजूद थे। कुछ लोगों की तरफ से आवाज़ें कसी गईं और जब ये आवाज़ें कसी गईं तो बातचीत जो है वो लड़ाई के अंदर बदल गई। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास। और सब हुआ क्या था वो भी आपको दिखा देते हैं।